खबर है बिहार से। बिहार के जहानाबाद नगर थाना की पुलिस ने अपराध की योजना बनाते दो युवक को डीएम आवास के समीप रेलवे यार्ड से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार युवक की जब पुलिस ने तलाशी लिया तो उनके पास 100 ग्राम शुगर बरामद हुई। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत लाखों में बताई जाती है। बताया जा रहा है कि यह ब्राउन शुगर बेचने वाला ग्रोह अंतर जिला ग्रोह का है, जो गया से ब्राउन शुगर खरीद कर जहानाबाद जिला मुख्यालय के पंचम हल्ला मोहल्ले से विभिन्न जगहों पर बिक्री किया करता है। इसकी सूचना नगर थाने की पुलिस को लगी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से ब्राउन शुगर भी बरामद की गई है। इस संदर्भ में SDPO राजीव कुमार सिंह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अंतर जिला ब्राउन शुगर गिरोह जिले में सक्रिय है। इस सूचना पर एक टीम का गठन किया गया और यह टीम जहानाबाद जिला मुख्यालय के विभिन्न मोहल्ले में छापामारी प्रारंभ किया। इस दौरान डीएम आवास के समीप रेलवे यार्ड से गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह दोनों तस्कर जहानाबाद के पंचम हल्ला के रहने वाले चंदन कुमार एवं सोनू कुमार शामिल हैं। इन दोनों के कमरे से लगभग 100 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। इस दौरान गिरोह का सरगना संजय कुमार एवं उपेंद्र चौधरी भागने में सफल रहा। पुलिस दोनों सरगना के गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। SDPO में दावा किया है कि जल्द ही गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इस बरामदगी को बड़ी सफलता मान रही है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर सुरेश निखर की रिपोर्ट। कुछ लोग संग्रह अपराध करने के फिराक में रेलवे स्टेशन के आसपास सूचना से हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया और उसके बाद एक टीम बना के हम लोगों ने वहाँ सर्च का ऑपरेशन शुरू किया। हम लोगों को देखते ही कुछ लोग भागने लगे, उसमें दो लोग पकड़े गए। उनसे पूछताछ के क्रम में उन लोगों ने बताया कि उनके पास स्मैक है और तलाशी के क्रम में उनके पास लगभग 100 ग्राम की मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। इस क्रम में हम लोग जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके विरुद्ध भी छापेमारी किया जा रहा है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। कहाँ कहाँ से पकड़ा गया दोनों? ये पंचमहला जहानाबाद के रहने वाले दोनों, एक साड़ी दुकान में काम करता है, एक टेम्पो चालक है। इसका भी हम लोग सत्यापन करा रहे हैं कि कैसे ये इतने दिनों तक छुप कर आम लोगों के बीच में रह रहा था, जबकि ऐसे व्यापार में लिप्त था। कितना कीमत का होगा सर तकरीबन? इसका अंदाजा हम पता कर रहे हैं, हम फोरेंसिक जाँच के लिए भी इसको भेजें फोरेंसिक टीम के पास। योजना बना रहा था क्या? हम लोग यही सूचना मिली थी कि अपराध की योजना बना रहे हैं, इसी के क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई की और जब इनका सर्च किया गया तो ये पता पाया गया ये अपनी पैंट के अंदर छुपा के रखा। बहुत बड़ा गिरोह था सर जहानाबाद में, इसका चल रहा है संभवतः कुछ लोग मिलकर इस गिरोह को संचालित कर रहे थे। इसमें सबका नाम हमारे सामने आया है कि ये सप्लाई किसके लिए कर रहे थे और इसका क्या क्या उपयोग करते थे। हम लोग इसके क्रम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और निरंतर छापेमारी कर रहे हैं, शीघ्र सभी लोगों को गिरफ्तार कर। इसका सरगना सर हम लोग इसकी अभी इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, छापेमारी कर रहे हैं और शीघ्र सभी गिरफ्तारी कर लेते हैं। कब से कर रहा था धंधा सबको? ये स्पष्ट नहीं बता रहा है, ये तो खुद को बता रहा है कि हम अभी 2-3 बार ही गए हैं और हमको जाने के लिए और लाने के लिए पैसा मिलता था और बाकी लोगों का सरगना का नाम भी बताया कि किनको सप्लाई किया करता था। इस क्रम में हम लोग छापेमारी जारी रखे हुए हैं, शीघ्र की गिरफ्तारी। कहाँ से लाते थे सर, कहाँ सप्लाई करते थे? फिलहाल तो ये बोल रहा है गया के आसपास के क्षेत्र से हम लोग लाते हैं। ठीक है सर।